देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरे माँ बाप तुम्हारे घर गए थे। उस दिन तुम लोगों ने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की, याद है उस दिन की बात? मेरे माँ पापा तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। आखिर उन्हें भी तो अपनी बेटी का भला बुरा सोचने का हक है। सिर्फ इसलिए तुम्हारे माँ बाप की जिद के कारण मेरे माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप का इकलौता लड़का जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनता, उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। तुमने गलती की थी पार्थो। अब तुम ये कह रही हो कि मैंने गलती की थी? मेरे माँ बाप की जो बेइज्जती हुई उसका दर्द मुझे भी हुआ था, मुझे भी उतना ही दुख हुआ था। एक लड़के की आवाज सुनाई दे रही है पर कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। कितनी डरावनी घटना है। सारी जिंदगी जिस पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, आज हर पल मुझे उसी पर यकीन करना पड़ रहा है। क्या वो इस लड़की को आखिर मार डालेगा? क्या वो इस लड़की को जीने नहीं देगा? इस तरह से कोई इंसान कैसे जी सकता है? जब तुम्हारी शादी तय हो गई थी उसके ठीक एक दिन पहले मेरे माँ बाप तुम्हारे घर पर गए थे। क्या कहा था याद है ना तुम्हें? हम अपने बेटे की तरफ से आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। देखिए, हमने अपने बेटे से बात की है पर ये बात ना, रंजा की शादी कहीं और तय हो गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो पछताने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा, इसलिए हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं, दया करके उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मेरा विश्वास करिए, उसे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी। और अगर सरकारी नौकरी ना भी मिली तो क्या हुआ? मैं तो एक अच्छी नौकरी करता हूँ ना, एक अच्छी रिटायरमेंट बेनिफिट तो मिलेगी ही। जल्दी ही मेरी रिटायरमेंट है। मैं वादा करता हूँ आपसे कि अपने रिटायरमेंट के सारे पैसों से मैं पार्थ का अच्छा इंतजाम कर दूंगा, कोई बिजनेस करवा दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, वो लोग बहुत खुश रहेंगे। हाँ, वो नौकरी नहीं करता है शायद इसलिए आप लोग मना कर रहे अपनी बेटी का हाथ देने से। रंजा अगर उसकी जिंदगी में नहीं आई तो मेरा बेटा सच में कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ करना तो दूर की बात है, वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा। हम दोनों ही अपने बच्चे की जान बचाने के लिए आए हैं, प्लीज। अब आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। आप भी तो एक पिता हैं। मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग कितने मजबूर होके आए हैं आपके पास। प्लीज मुझे माफ कीजिए। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता, मैं इस विषय में कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब आप लोग एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को समझाइए कि कोई भी ऐसा तमाशा न करे जिससे मेरी बेटी की शादी टूट जाए। मिस्टर सेन, मेरा बेटा चाहे जितना भी जिद्दी हो पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे रंजा को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो रंजा से प्यार करता है। आप लोग नहीं समझ पाए, रंजा अगर हमारे घर आई होती तो वो बहुत खुश रहती, जो कहीं और जाकर नहीं रह सकती। देखिए, जीवन में सिर्फ रुपया पैसा मान सम्मान ही तो सब कुछ नहीं है ना। सब कुछ रहते हुए भी बहुत सारे लोगों के जीवन में प्यार नहीं रहता है। ये बात तो सही है कि आपकी बेटी को हमारे घर में इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, पर हमारे घर में जो प्यार उसे मिलता है ना, वो उसे और कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन उसे इस चीज के लिए अफसोस करना पड़ेगा। देखिए, अब हम इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, आप लोग सिर्फ एक बार अपनी बेटी को बुलाइए, वो यहाँ आकर खुद अपने मुंह से कह दे कि इस शादी के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, पार्थो से शादी नहीं होने पर वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर हम जाकर पार्थो को समझा पाएंगे, हम समझाएंगे तो फिर वो जरूर समझ जाएगा, शायद भूल जाएगा। इतनी सी मदद नहीं करेंगे आप? प्लीज रंजा जरा यहां आना तो बेटा। क्या हुआ रंजा बेटा?
तूने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया। तुझे पता है पार्थव कैसा है, अभी कैसे दिन काट रहा है वो? जरा सुनिए, आप लोगों ने ये बात करने के लिए उसे यहाँ नहीं बुलाया है, जो पूछना है बस वही पूछिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। रंजा बेटा, रंजा बेटा, तुम एक बार अपने मुंह से कह दो कि शादी से तुम खुश हो। बोल बेटी बोल, यदि तेरी हाँ है तो ये बात तू इन्हें बता दे। क्या हुआ रंजा, बोल दो। पार्थ तुम्हारे जीवन साथी के रूप में सही नहीं है, ये बात तुम अब समझ गई हो। बोल दो उनसे वो बात। बोल ना बेटा, खुल कर बोल। आज के दिन कम से कम एक सच बात तो बोल। हाँ बेटा, तुम जो भी कहोगे हम उसी को सच मान लेंगे। हम वही बात जाकर पार्थो को समझाएंगे, वो जरूर समझ जाएगा। रंजा बेटा, तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारी एक बात पर हमारी पार्थो की जिंदगी निर्भर है। तुमसे बस इतनी ही विनती है। अगर मैं कहूँ कि पार्थो के लिए मुझे दुख हो रहा है, मैं पार्थो से ही शादी करना चाहती हूँ, अगर ये बात काका जाकर पार्थो से कहेंगे तो फिर पार्थो को और भी दुख होगा। पर अगर मैं कहूं कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूं, तो शायद पार्थो गुस्से में या नफरत में मुझे भूल जाएगा और नई शुरुआत करेगा। इसीलिए जिसमें पार्थो की भलाई हो मुझे वही करना चाहिए। क्या हुआ बेटा, तुम चुप क्यों हो गई, बोलो। रंजा, तुम्हारे एक जवाब के लिए हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तुम समझ रही हो ना? बोल दे बेटा बोल दे, ये लोग जो जानना चाहते हैं उसका जवाब दे। क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चुप क्यों हो, कुछ कहो। कल तुम्हारा आशीर्वाद है रंजा, कुछ ही देर में घर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है कि पार्थो से तुम्हारा एक रिश्ता बन गया था, पर ये जरूरी तो नहीं कि उस रिश्ते को शादी में तब्दील करना पड़ेगा। जो कहना है तुम इन लोगों से अभी कह दो। काका माँ सही कह रही है, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। वाह क्या बात कही, शाबाश, बहुत अच्छा। इतने दिनों तक पार्थव को आशा दिलाकर उसे इशारों पर नचाकर अब अपनी जिंदगी अकेले मजे से जीना चाहती हो। छी। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही हो, हमने तो इसे अपने मन की बात कहने को कहा है ना। उसे जो अंदर से महसूस हुआ उसने वो कह दिया। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, तुमने हमसे जो कहा वही हम पार्थो को वही बताएंगे बेटा। दरअसल पार्थो तो ये सोच रहा है कि तुम भी शायद उसी की तरह उसके लिए दुखी हो रही हो, क्योंकि तुम लोगों का मिलना जुलना भी तो बंद हो गया है ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग समझाएंगे पार्थो को, पार्थो समझ जाएगा, वो फिर से जीने की कोशिश करेगा, वो जरूर करेगा। हम उसे कहेंगे कि दुनिया की हर लड़की पार्थो के लायक नहीं हो सकती, तुमसे प्यार करके उसने गलती की है। चलो क्या है इसमें, इतना रोने की क्या बात है? देखो ये रोना धोना बंद करो, जाओ भीतर जाओ और कल के लिए खुद को तैयार करो, जाओ।
मैम आप यहाँ क्या खड़ी होकर हमारी बातें क्यों सुन रही हैं? आखिर कर क्या रहे हो तुम? तुम सब कुछ तोड़ डालोगे क्या? अगर तोड़ सकता, इस दुनिया को तबाह कर सकता तो मैं बहुत खुश हो जाता, पर कहां कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं ना। जब मां पिताजी ने आकर मुझे वो बात बताई, उसे सुनने के बाद मैंने जो किया, उम्मीद है कि तुम भूली नहीं होगी। नहीं भूली मैं। क्या करूं मैं अब? उस लड़की को यहां रखकर क्या मैंने गलती कर दी है? क्या मुझे उसे घर भेज देना चाहिए था? अब क्या करूं मैं? अगर रंजा को घर भेजती और पार्थो यही रह गया तो वो मुझे ऐसे ही डराता रहा तो मैं क्या करूंगी? अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना नहीं डरी, कभी भी नहीं। पहली बार मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों इतना डर लग रहा है मुझे? कौन है? कौन है? कौन है वहां? मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हारा, कुछ नहीं किया मैंने। आपको क्या जरूरत है दूसरों के मामलों में पड़ने की? मेरे हाथ देख रही हैं? बहुत लंबे हैं। अगर इन्हें मैं और लंबा कर दूं तो फिर क्या होगा, बताइए जरा। रंजा। मैम दरवाजा खोलिए। रंजा। मैम पार्थो तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो। रंजा। मैं बाहर ही हूँ, आप किसी तरह से सिर्फ दरवाजा खोल दीजिए मैम। रंजा। मैम तुम्हारी मैम बच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद इस दुनिया के लोगों के साथ मुझे रहने का अधिकार नहीं मिला है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं कल फिर से आऊंगा, फिर से जरूर आऊंगा। मैम यही हूँ। आपको कुछ नहीं हुआ है मैम, कुछ नहीं हुआ है आपको। पार्थो चला गया है मैम, चला गया है वो मैम। बस इसीलिए मैं आपसे ये सारी बातें नहीं कहना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर ये बातें हुई तो उसे बहुत बेचैनी होगी, फिर वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये कोई नहीं जानता। नहीं मैम, आपने जितना सुनना था उतना सुन लिया, अब आपको मैं कुछ नहीं सुनाऊंगी, कुछ नहीं सुनाऊंगी आपको। नहीं, मैं चाहे जितना भी डरूं पर मुझे पूरी बात जाननी ही होगी, मुझे पूरी कहानी सुननी ही होगी। तुम नहीं जानती मुझे एक नशा सा हो गया है। मैं पूरा दिन हर वक्त सिर्फ तुम्हारी बातों के बारे में ही सोचती रहती हूँ, इसलिए जब तक मैं पूरी कहानी नहीं जान लेती मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी रंजा। और वो क्या करेगा बोलो?
इतना तो डरा ही रहा है, थोड़ा और डराएगा और गुस्सा करेगा और हो सकता है कि वो कल मुझे मारी ना। हाँ, पर पूरी बात ना सुनने पर मुझे नहीं मारेगा या मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस बात की भी तो गारंटी नहीं है ना। इसलिए वो मुझे भले कितना भी नुकसान पहुंचाए, मैं पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। हाँ रांझा, मैं इतना तो समझ चुकी हूँ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, पर मुझे पूरी कहानी सुननी है रंजा। बोलो, मैं पूरी कहानी सुनकर ही रहूंगी रंजा। मुझे भी लगता है मैम कि अगर पूरी कहानी मैं बोल दूं तो ही शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। दरअसल ये सारी बातें ना मैम कभी किसी से कही नहीं गई है, कोई नहीं जानता इन सबके बारे में। जानती हूँ मैं, शायद वो चाहता है कि ये बातें कोई जाने, और शायद इसीलिए वो इतने सालों से इंतजार कर रहा है। बोलो, अब मुझसे नहीं सहा जाता मैम, विश्वास कीजिए मैं भी अब उससे मुक्ति चाहती हूँ। अगर इसी तरह से कुछ दिन और चलता रहा ना तो मैं खुद ही अपने आप को खत्म कर दूंगी, और वो ऐसे ही दुख देता रहेगा। मुझे इस जिंदगी में कभी मुक्ति नहीं मिलेगी मैम, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। रंजा, तुम अपनी सारी बातें खुलकर बताओ मुझे, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। मैं तुम्हारी सारी बातें सिर्फ इसलिए सुनूंगी रंजा, जिससे कि सब सुनाने के बाद कम से कम तुम थोड़ा हल्का महसूस करो और चैन से जी पाओ रंजा। वो फिर से आ गया है। नहीं मैम, वो अब भीतर नहीं आ पाएगा। उससे जितना भी तंग करना है, डराना है, वो सब बाहर से ही करेगा। वो मेरे सामने आकर अब खड़ा नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा मैम, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। ठीक है रंजा, तो बताओ, अब बताओ रंजा, उसके बाद माँ पापा ने उसे जाकर क्या कहा था, बताओ। बताती हूँ मैम, सब बताती हूँ आपको। पार्थो, तुम्हारी वजह से हम उस घर में गए और शर्मिंदा हुए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो लोग तुम्हारे जैसे लड़के को दामाद के रूप में नहीं अपना पाएंगे। नहीं नहीं, तुम सिर्फ उनका नाम क्यों ले रही हो, रंजा ने भी तो अपने मुंह से वही कहा है ना। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, तुम विश्वास करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। पार्थो, बात को समझने की कोशिश करो। रंजा अगर तुमसे शादी करना चाहती तो क्या वो एक बार इस घर में नहीं आती? वो एक बालिग लड़की है, अगर वो आना चाहती तो उसे कोई रोक नहीं सकता था। उसके माँ बाप ने उसे रोक रखा है? नहीं, हमें बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि उसने मजबूरी में आकर उनकी बात मान ली है। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, इसलिए वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तभी वो अपनी बेटी को नहीं देना चाहते। और फिर जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत अच्छी नौकरी करता है। तुम्हारे पास क्या है? हम लोग तो साधारण मिडिल क्लास लोग हैं, आखिर वो हमारे घर में क्यों आएगी बताओ। पार्थो, एक बात कहूं मैं, तुमने गलती की थी उस लड़की को पहचानने में। नहीं माँ, नहीं, रंजा मुझसे प्यार करती है। तो तुम यही सोचते रहो कि रंजा तुमसे प्यार करती है, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? पार्थो, अभी तुम्हारी करियर बनाने की उम्र है, क्यों तुमने अपने आप को ऐसे कमरे में बंद करके रखा है? किसी से बात नहीं करते हो, खाना नहीं खाते हो, ये सब क्या है पार्थो? अच्छा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं है क्या तुम्हारा? आखिर तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? पार्थो, मेरा प्यारा बेटा, मेरा बच्चा, तू कमरे से बाहर निकल बेटा, ऐसे जिद मत कर। देख, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तू मान ले मेरा अच्छा बेटा, ऐसे रो मत बेटा। देख, इधर देख, तू मेरा अच्छा इकलौता बेटा है ना, हमारे बारे में नहीं सोच रहा है तू? घर में दो छोटी छोटी बहने हैं, तेरा कोई फर्ज नहीं उनके लिए? उस एक लड़की के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है तू, कैसे चलेगा? अच्छा सुन ना,
मेरी एक बात सुन, मैं बोल रही हूँ, क्या रंजा भी तेरे बारे में सोच रही है? वो तो खुशी खुशी शादी कर रही है। देखो पार्थो, हमने उसके माँ पापा की बात पर विश्वास नहीं किया, हमने रंजा के मुँह से खुद सुनना चाहा, हमने उससे साफ साफ पूछा कि वो इस शादी से राजी है या नहीं। उसने साफ साफ कह दिया कि हाँ, वो इस शादी के लिए राजी है। पिताजी, आप सच कह रहे हैं ना? तुमसे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा बोलो? पार्थो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि रंजा की शादी अगर उसकी मर्जी से नहीं हो रही होती तो वो हमारे घर चली आती ना। दो मकान के बाद ही तो हमारा मकान है। हम अगर उससे तुम्हारी शादी करवा देते तो कोई रोक नहीं सकता था। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो पार्थो? बात सिर्फ ये नहीं है कि रंजा अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहती, बल्कि एक अच्छे रिश्ते को वो नहीं खोना चाहती। समझने की कोशिश करो। सिर्फ प्यार करने से ही सब कुछ नहीं होता है बेटा, उसके लिए जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ती है। अच्छा तू ही बता, तू बिना नौकरी के शादी के बाद क्या उसका ख्याल रख पाता? तुझे कब नौकरी मिलेगी तू तो ये भी नहीं जानता। और देखना, धीरे धीरे तुम दोनों का रिश्ता भी ना पूरी तरह खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही हुआ ना कि उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है। अब तू भी मन लगाकर नौकरी की तैयारी कर। जब नौकरी मिल जाएगी ना तो हम भी तेरे लिए कोई अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करवा देंगे। और बेटा, तुझे लेकर हमें कितनी उम्मीदें हैं बोल। तू बस उस लड़की के बारे में सोच सोच कर अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करेगा। जो बात उसने आपके सामने खड़ी होकर कही, अगर वही बात मुझसे आकर कह दे तो वादा करता हूँ हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाऊंगा मैं। कल उसका आशीर्वाद है पार्थो। पार्थो, आखिर हम कैसे तुम्हें उनके घर जाने को कह दे? वो भी तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने देंगे। तू मत जा, फोन से बात कर ले, फोन से बात कर ले। उसके घर में फोन तो है ना? नहीं माँ, नहीं। एक बार मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं उसके घर भी जाऊंगा। तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? वो लोग तुम्हारी सीधी सीधी बेइज्जती कर देंगे। हाँ हाँ पार्थो, मत जा बेटा, मैं तुझसे कह रही हूँ तू मत जा, तू वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, हम आज गए थे पर उन्होंने हमसे अच्छे से बात तक नहीं की रे। अगर तू गया ना तो तुझे भला बुरा कह के बेइज्जत करके भगा देंगे वो। और तू कहाँ जाएगा? कल के दिन तो उसका आशीर्वाद है। आशीर्वाद है तो क्या हुआ, शादी तो नहीं है? और सुबह नींद से उठते कोई रीति रिवाज के लिए नहीं बैठ जाता? कल सुबह ही मैं उसके घर जाऊंगा। बेटा, ओ बेटा, मेरी बात तो सुन जरा बेटा, जो करना है वो जरा सोच समझ के कर बेटा। अगर जरूरत हुई तो हम भी चलेंगे तेरे साथ। नहीं, आप लोग क्यों झुकेंगे? प्यार तो मैंने किया है ना, अगर झुकना है तो मैं झुकूंगा। मैं सिर्फ एक बार जाकर उसे सामने से देखना चाहता हूँ, अपने सवालों का जवाब उससे चाहता हूँ। वादा करता हूँ माँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास चलाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा माँ, कुछ नहीं। उसके बाद क्या वो आया था दूसरे दिन? आया था। उस वक्त मेरे आशीर्वाद की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, घर में मेहमान भरे पड़े थे। रंजा रंजा चिल्लाते हुए वो मेरे घर में आ गया था। हमारा दरवाजा सामने से खुला हुआ था, सारे लोग आना जाना कर रहे थे, इसीलिए उसे कोई रोक भी नहीं पाया। तुम्हें रास्ते में कोई? अजी सुनते हैं, तो सुनते हैं, लड़के वाले निकल चुके हैं। अरे आइए आइए आइए, क्या बात है, आपको आने में बहुत देर हो गई, मैं तो कब से रहा देख रहा। रांझा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आए हो पार्थो? रांझा को बुलाइए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। रांझा तुमसे नहीं मिलेगी। जो कहना सुनना था वो कल तुम्हारे माँ बाप से कह दिया था, अब फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? थोड़ी ही देर में रंजा का आशीर्वाद है। देख रही हो ना तुम, क्या नाटक चल रहा है। सुना है ये लड़की किसी से प्यार करती है, लगता है यही वो लड़का है। तो फिर इससे शादी ना करके किसी और से शादी करने की क्या जरूरत है? सोचा होगा अमीर लोग होंगे इसलिए शादी के लिए मान गई होगी। इधर कितने दिनों से इस लड़के को दिलासा देकर रखा था। देख के लगता है तो ये शांत स्वभाव का लड़का है, पर यहाँ तो ये कांड करके बैठी है। चलो अब देखते हैं शादी होती भी है या नहीं। वही तो लग रहा है कि झगड़ा करने आया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन रांझा से बिना मिले मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। That is your choice, पर हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। सुनो पार्थो, मैं तुमसे अच्छे से कह रही हूँ यहाँ से चले जाओ। आज इस घर में शुभ कार्य है, किसी तरह का झमेला मत करना। फिर भी अगर तुम नहीं माने तो क्या करेंगे? हम पुलिस को बुला लेंगे।
ऑलरेडी मैंने सारा मामला पुलिस को बता दिया है ताकि मेरी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। थाना पुलिस केस कुछ भी करिए, लेकिन मैं रांझा से उसके मन की बात सुने बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? कि रंजा इस शादी के लिए राजी है, यही सुनना चाहते हो ना? ये तो रंजा ने कल ही बोल दिया था। किससे क्या कहा क्या नहीं मैं नहीं जानना चाहता। रांझा से जो भी रिश्ता है वो मेरा है, इसलिए मैं रांझा के मुंह से ही सारी बातें सुनना चाहता हूँ। तुमसे कहा ना रंजा अभी नहीं आएगी, अभी तुरंत वो रंजा को आशीर्वाद देने आएंगे, वो तैयार हो रही है, तुम अभी चले जाओ। मैं रांझा से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे माँ बाप को बुलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा पार्थो। मेरे माँ बाप को बुलाने का कोई फायदा नहीं, अगर मैं नहीं चाहूंगा तो मेरे माँ बाप मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। अगर आप ये शादी बिना रुकावट के करना चाहते हैं तो पहले रांझा को बुलाइए। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो तुम पार्थो? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो पार्थो? मैं क्या चाहता हूँ आप जानते हैं, रांझा भी जानती है, लेकिन रांझा क्या चाहती है वो मैं जानना चाहता हूँ। बोलो क्या जानना चाहते हो? रंजा बेटा जो सच है उसे बता दे, बता दे उसे। ये याद रखना बेटा, नीलेश के घर से वो लोग निकल चुके हैं, वो कभी भी यहाँ आ पहुँचेंगे। अगर यहाँ आकर उन्होंने ये सब कुछ देख लिया तो फिर तेरी शादी टूट सकती है। तू इस लड़के को बता दे कि तू शादी अपनी खुद की मर्जी से कर रही है, इस पार्थो से तू शादी नहीं करना चाहती, बता दे इसे। क्या आपकी बेटी बोल नहीं पाती है, क्या सिखा रहे हैं आप उसे? उसे अपनी बात कहने दीजिए। बोलो क्या जानना चाहते हो? I'm sorry, रांझा। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं तुमसे बहुत दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहा था। मैंने तुम्हारे घर पे बहुत बार फोन भी किया था, तुम्हारे पापा फोन उठाकर काट देते थे, बल्कि मेरी आवाज सुनते ही फोन काट देते थे। पूछो उनसे। तुम तो आजकल बाहर भी नहीं निकलती हो, मेरे घर भी नहीं आती हो, और तुम अपने छत पर भी नहीं जाती हो जहां मैं तुम्हें देख पाऊं। तुम ही बताओ मैं क्या करता आखिर? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। तुमने भी मुझसे प्यार किया था ना? बस मुझे एक नौकरी नहीं मिली और बस तुम्हारी और मेरी जिंदगी इस तरह से बिखर जाएगी, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? और ये मेरा फर्ज था कि तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे बात करूं, और इसीलिए आखिरी बार तुम्हारे पास आया हूं मैं। तुम सिर्फ मुझे सच बताओ, तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम अपने माँ बाप की बात मानकर शादी के लिए राजी हुई हो, लेकिन प्यार मुझे से करती हो। वादा करता हूँ यहाँ से चला जाऊंगा और तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मुड़कर भी नहीं देखूंगा। तुम बस जो सच है वही बोलना, जो सच है वही बता दो बस। अगर आज तुमने सच नहीं बोला तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा रांझा, और फिर हमारे तुम्हारे बिताए हुए इतने साल, इतने महीने, इतने पल सब झूठे हो जाएंगे रांझा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा रांझा। प्लीज सच बोल दो। क्या हुआ, तुम चुप क्यों बैठी हो? क्यों समय बर्बाद कर रही हो? क्यों उसे सारी बातें नहीं बता रही हो? रांझा बेटा हमारे पास समय नहीं है, तू सच बता दे। तू समझ नहीं पा रही है, वो तमाशा करने आया है। वो तो पहले भी आ सकता था पर नहीं, सब जानबूझकर आज आया है। तू समझ नहीं पा रही है, ये तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इस लड़के ने कभी भी तुझसे प्यार नहीं किया है, ये अच्छी तरह से जानता है कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमारी सारी संपत्ति तुझे ही मिलेगी, यही सोच कर ये तुझसे शादी करना चाहता है। बहुत देर से आप लोग बकवास कर रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कर रहा हूँ, ये बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। रांझा मुझसे जो कहेगी वही फाइनल होगा, वही आखिरी होगा। बोलो रांझा, बोलो बोलो, मुझे इस तरह से और इंतजार मत करो, बोलो प्लीज बोलो। मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने तुम्हारे माँ पापा से कह दिया। मेरे माँ बाप से तुमने क्या कहा वो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मुझसे जो कहोगी मेरे लिए वही सच होगा। बोलो रांझा। इस शादी के लिए मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तुम सबसे डर के हार मानकर मुझसे झूठ बोल रही हो ना?
देखो पार्थो, अगर मैं सच कहूँ और तुम उसका विश्वास ना करो तो फिर मैं तो कुछ कह नहीं सकती ना। तुम अगर मेरी जुबान से कुछ और सुनना चाहते हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर तुम अगर मुझसे जानना चाहते हो तो मैं ये कहूंगी कि मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूं। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी औकात क्या है मुझसे शादी करने की? और मेरी जैसी लड़की से प्यार करने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है? प्यार करता हूँ ये बात बहुत आसानी से कहा जा सकता है पार्थो, लेकिन प्यार करने के लिए कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, और तुम कभी भी मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। तुम तो एक नौकरी तक नहीं कर पाए और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और उससे भी बड़ी बात यह है पार्थो कि मेरी जिससे शादी हो रही है ना, उससे तो तुम्हारी कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। कितने बड़ी फैमिली, इतना धन संपत्ति है उनके पास और इतनी अच्छी नौकरी करता है वो, उसी परिवार में रहने लायक हूँ मैं। कितनी बड़ी फैमिली है तुम्हें पता भी है, कितने बड़े लोग हैं वो। वैसे ही लड़के से शादी करने लायक हूँ जिनकी समाज में इज्जत है, पैसा है, सम्मान है। क्या है तुम्हारे पास? क्या क्या है तुम लोगों के पास? तुम्हें पता है नीलेश कितनी अच्छी नौकरी करता है? तुम इस जीवन में उस नौकरी के आस पास भी जा पाओगे? कभी नहीं जा पाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जाओ, निकल जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ। अभी मेरे आशीर्वाद का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन में तुम्हारी छाया भी कभी पड़े। चले जाओ यहाँ से। मुझे जाने के लिए कह रही हो रंजा? नहीं तो क्या मैं तुम्हारे जैसे लड़के से शादी करके डूब के मर जाऊं? पार्थो, मैं इतनी बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। मेरे साथ जो लड़का निभा पाएगा मैं उसी लड़के से शादी कर रही हूँ। अब तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे रहने दो शांति से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर जाने से पहले तुमसे एक बात जरूर कहूंगा रंजा, तुम इस जन्म में कभी खुश नहीं रह पाओगी। मेरी परछाई पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेगी, मुझसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें, कभी नहीं, कभी नहीं। देखो, तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो दिल से नहीं कहा था। मैम, मैंने एक भी बात दिल से नहीं कही थी, पर वो सब बिना कहे पार्थो का लौटना संभव नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मेरा आशीर्वाद हुआ। मेरे आशीर्वाद के वक्त ही पार्थो ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। रांझा के बिना इस दुनिया में रहना मुझे व्यर्थ लग रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूं। जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद क्या है, अगर मरने के बाद आत्मा जैसी कोई चीज होती है तो फिर वो आत्मा रांझा के आसपास ही घूमती रहेगी, रांझा का पीछा करेगी। मेरे अलावा कोई भी अनजान पुरुष रांझा को कभी नहीं पा सकेगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं।
जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। तुम तो एक नौकरी तक नहीं कर पाए और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और उससे भी बड़ी बात यह है पार्थो कि मेरी जिससे शादी हो रही है ना, उससे तो तुम्हारी कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। कितने बड़ी फैमिली, इतना धन संपत्ति है उनके पास और इतनी अच्छी नौकरी करता है वो, उसी परिवार में रहने लायक हूँ मैं। कितनी बड़ी फैमिली है तुम्हें पता भी है, कितने बड़े लोग हैं वो। वैसे ही लड़के से शादी करने लायक हूँ जिनकी समाज में इज्जत है, पैसा है, सम्मान है। क्या है तुम्हारे पास, क्या क्या है तुम लोगों के पास? आशीर्वाद का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन में तुम्हारी छाया भी कभी पड़े। चले जाओ यहाँ से। फिर तुम लोगों को कब पता चला? हमारे घर में आशीर्वाद का कार्यक्रम चल रहा था, उस शोर शराबे में पहले तो हम कुछ समझ ही नहीं पाए। शादी की शहनाई भी बज रही थी, उसके बाद जब लोग एक एक करके जाने लगे, शहनाई की आवाज बंद हो गई, तब पार्थो के घर से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तुम पार्थो को देखने गई थी? मैम, जब मैं उसके घर गई तो देखा कि मोहल्ले के सारे लोग उसके घर के आगे भीड़ लगा कर खड़े हैं और वहाँ लोगों की रोने की आवाज सुनकर मेरे दिल में आभास हो गया था। पार्थो के घर जाने से पहले पार्थो की माँ पागलों की तरह दौड़कर हमारे घर आए। तब हमारे घर से सारे लोग गए नहीं थे वहाँ, सबके सामने चिल्लाकर कहने लगी, अब शांति मिल गई ना आप लोगों को, शांति मिल गई ना, शांति मिल गई आप लोगों को। क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। रांझा, क्यों रांझा, तूने मेरे बेटे को मुझसे इतना दूर भेज दिया। क्यों रे, वो तेरे मुंह से बस ये बात सुनने के लिए यहाँ आया था। तू बस उसे एक बार कह देती कि तू उससे शादी करना चाहती थी, पर नहीं कह पाई, नहीं कह पाई। पर मन ही मन तो उसे सारी उम्र प्यार करती रहेगी जिंदगी भर, तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटी होती, ये मनोज घटना नहीं घटी होती मेरे जीवन में। तेरा क्या होगा बोल, क्या होगा तेरा? कुछ नहीं होगा तेरा, तू तो खुशी से नाचते हुए दूसरी जगह शादी करके चली जाएगी। नुकसान तो मेरा हो गया, मेरे बेटे की जिंदगी खत्म हो गई, मेरा बेटा मर गया, मैं किसके सहारे जीऊंगी? क्यों किया, क्यों किया बोल, क्यों क्यों बता मुझे, क्यों किया बोल। क्या हो गया काकी, आप ऐसे क्यों कह रही, क्या हुआ है मुझे बताइए, बताइए मुझे, बताइए ना।
मेरा सब खत्म हो गया और मैं क्या कहूँ। मेरा पार्थो नीम की बहुत सारी गोलियां खाकर मरा पड़ा है। मेरा बेटा नहीं रहा है। रंजा, उसके बाद तुमने जाकर पार्थो को देखा? देखा। रंजा, उसके बाद तुमने जाकर पार्थो को देखा? देखा। जाकर देखा, पूरे घर में लोग, उनके बीच में पार्थो का शरीर। कष्ट होता है मुझे। उस दिन भी बहुत कष्ट हुआ था, बहुत कष्ट। आत्महत्या महापाप है, वो पाप मैंने किया है। वो पाप ही मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं देगा। मुक्ति नहीं मिलने पर मुझे जो कष्ट हो रहा है वो तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं। रांझा ने मुझे जीते जी धोखा दिया है और मरने के बाद भी। नहीं पार्थो, पार्थो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पार्थो। मैंने धोखा नहीं दिया तुम्हें। धोखा दिया है रांझा, धोखा दिया है तुमने मुझे। अगर तुमने उस दिन मुझे सारी बातें सच बताई होती तो आज मैं इस तरह से भटक नहीं रहा होता। तब शायद मैं आत्महत्या ही नहीं करता। आत्महत्या पाप है और इस पाप के साथ मुझे रहना है। तुम सोच भी नहीं सकती रांझा कितना कष्ट है, कैसे रहना पड़ रहा है मुझे, वो तुम कभी नहीं समझ पाओगी, कभी नहीं। बात तुम लोगों की शादी क्यों नहीं हुई? पार्थो जाने से पहले मुझसे क्या गया था मैम, वो कभी मुझे सुखी नहीं होने देगा, वो कहीं मेरी शादी नहीं होने देगा, मुझे किसी मर्द के पास नहीं जाने देगा। उसकी आत्मा सारी जिंदगी मेरा पीछा करेगी और वही हुआ था। उसी वजह से मेरी शादी टूट गई थी। माँ पापा ने बहुत बार मेरी शादी करवानी चाहिए लेकिन हर एक बार किसी न किसी कारण मेरी शादी टूट जाती थी। पर उस बार क्या हुआ था? तय की हुई शादी नहीं हुई, क्या हुआ था? क्या मोहल्ले के लोगों ने जाकर लड़के वालों को सब कुछ बता दिया था? हाँ, या फिर पार्थो के घर के ही लोगों नहीं, ने किसी ने कुछ भी नहीं बताया, पर फिर भी मेरी शादी टूट गई। पर क्यों?